सोनिका जब शाम में खाना बनाने गई तो देखा रसोई में बहुत सी चीज़ें खत्म थी। अब क्या करें, शाम भी हो रही, खाना भी बना और शाम में जल्दी दुकान भी बंद हो जाती है। सोनिका पर्स उठाकर जल्दी जल्दी भागी बाजार। सोनिका जल्दी घर का जरूरी सामान लेकर भागी जा रही थी। शाम होने को भी समय हो गया था। बाजार बंद होने की हड़बड़ी में उसने कुछ लिया और कुछ छूट गया। कभी शाम में इस तरह घर से निकली भी नहीं थी तो डर भी लग रहा था। आधे रास्ते पर आई तो याद आया कि घर में आलू तो नहीं है, आलू लेना तो भूल गई। अब क्या करे, बेटा तो हरी सब्जी खाता ही नहीं, आखिर माँ का मन था। उसने सोचा चलो वापस जाकर ले ही लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम मेरा बच्चा तो खुश हो जाएगा, वरना आज उसको बिना खाए ही सोना पड़ेगा। वह पीछे मुड़कर वापस सब्जी चौक पर गई, जहाँ सब्जी मंडी था। वहाँ अक्सर आलू प्याज मिल जाता है, लेकिन उसके जाने से पहले ही सब ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। थोड़ी दूर पर एक सब्जी वाला अपना ठेला लिए तेज कदमों से चला जा रहा था। शायद उस बेचारे को भी तो डर था, पुलिस वाले सीधे डंडे बरसाने लगते हैं, अक्सर निरीह और लाचार लोग ही पुलिस के निशाने पर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पुलिस वालों का जोर भी कमज़ोर लोगों पर चलता है, ताकतवर के पास जाने में वो भी डरते हैं। सोनिका ने जोर से आवाज़ देकर उसे रोका। पहले तो वह अनसुना कर दिया, पर दो तीन बार पुकारने पर वह ठिठक गया। पास जाकर सोनिका ने पूछा भैया आलू है क्या? वह बोला दीदी है तो, पर ज़्यादा नहीं है। अच्छा जितना भी है दे दो मुझे। माफ़ करना हम नहीं दे सकते दीदी। क्यों क्यों नहीं दे सकते हो? बेचने के लिए ही रखा है ना, फिर इतने नखरे क्यों? हाँ बेचने ही के लिए था, पर थोड़े से ही बच गए। अरे भाई मुझे थोड़े ही चाहिए, जितना है ना सब दे दो, जल्दी करो। वह बोला काहे जिद कर रही है दीदी, हम नहीं दे सकते। अब सोनिका को गुस्सा आ रहा था, वह खींचकर बोली अजीब आदमी हो तुम, जब आलू रखा हुआ है फिर भी दे नहीं रहे। सोनिका ने थोड़ा अकड़ कर कहा तुम्हें पता है मेरा बेटा आलू के सिवाय कोई सब्जी नहीं खाता, सारी सब्जियां घर में हैं पर उसे पसंद नहीं, मैं उसकी हर एक पसंद का ख्याल रखती हूँ, अगर आलू नहीं बनाया तो वो आज भूखा सो जाएगा, माँ हूँ ना दिल नहीं मानता। हाँ पर तुम क्या जानो, तुम माँ नहीं हो ना, तुम्हें क्या पता माँ के मन को, माँ की ममता का। दीदी मन तो बाप का भी होता है, पर वह पसंद नहीं, अपने बच्चों के पेट भरने का जिम्मेदारी उठाता है। वह बड़ी मायूसी से हाथ जोड़कर बोला दीदी हम माँ तो नहीं हैं, पर ममता इस गरीब बाप के पास भी है, आज मेरी सब्जियां इस बंदी के फेरा में नहीं बिक पाई हैं, उतने पैसे भी नहीं मिले कि हम बिन माँ के बच्चों के लिए घर पर राशन लेकर जाएंगे, मेरे दोनों बच्चे टुकर टुकर राह देख रहे होंगे, कम से कम यही आलू उबाल कर हम उनकी भूख मिटा देंगे। तो उसकी बातों को सुनकर सोनिका के हाथों से सामान का झोला फिसलने लगा। सब्जी वाले की आंखों में तैरते आंसुओं को देखकर सोनिका का सारा गुस्सा आंखों से पिघलने लगा। माँ की ममता एक पिता के दर्द के सामने बहुत छोटी हो गई थी। सोनिका ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, बोली भैया मुझे माफ़ कर दे। फिर सोनिका ने पर्स से 1000 निकाल कर दिया, भैया बच्चों के लिए राशन ले लीजिए। सब्जी वाले ने कहा नहीं मैडम मैं ये पैसे कैसे ले लूँ। सोनिका ने बहुत जिद की और सब्जी वाले ने थैली में बच्चे के लिए आलू डालकर सोनिका की तरफ बढ़ा दिए। सोनिका ने खुशी खुशी आलू को लिया और घर की तरफ जल्दी और सोच रही थी एक माँ के पास ही ममता नहीं होती, एक पिता के पास भी होती है।